हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। तो उसकी हमने तैयारी कर ली है। देखिए, छोले हमने बॉईल करके रख लिए हैं। सबको मालूम है कैसे बॉईल करना है, तो मैंने ना बॉईल कर लिए। देखिए, अच्छे से पक गए। थोड़ी सी चाय पत्ती के, देखिए 10 से 12 कली हमारी लहसुन की है, और थोड़ा सा अदरक 2-3 टुकड़े, और एक बड़ा प्याज हमने काट के लिया है, इसे हम पीस लेंगी। और ये 3 से 4 हरी मिर्च है, जिसे हमने लंबाई में इस तरीके से काट लिया है। और ये बारीक प्याज हमने काट लिया है, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये छोले मसाला, ठीक है, और ये धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च आज को पीस लेंगे। और ये देखिए, कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया था और गरम हो गया है। मैंने 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच से तेल डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये थोड़े से खड़े गरम मसाले हैं, शाही जीरा, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, ठीक है। जैसे ये थोड़े से तड़क गए हैं, तो हम इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे। देखिए, प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई है, तो इसमें जो हमने पीस के प्याज लिया उसको डाल देंगे, और इसको भी थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और अब हम इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के और 5 मिनट के लिए मसाले को ढक के और पकने देंगे। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ये जो हमने छोले अपने बॉईल करके रखे थे, इनको डाल देंगे, और इनको भी हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से पका लेंगे। और ये जो हमने छोले मसाला रखा है, तो इसमें हम छोले मसाला भी डाल देंगे। और ये जो कसूरी मेथी है, इसको हम आधा क्रश करके और छोले के अंदर डाल देंगे, और छोले को पकने देंगे। अब हम इनको भी ना 5 मिनट के लिए ढक के और पकने देंगे। देखिए, छोले हमारे अच्छे से बन गए हैं। तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसे पकने देंगे। पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही सूखे भी निकाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इन्हें पकने दूंगी। इसमें क्या है ना, नमक मसाला सब कुछ छोले में अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो बस हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के और पकने देंगे। बस हमारे छोले तैयार हो जाएंगे, तब तक हम बना लेते हैं अपने भटूरे। पहले नंबर हम भटूरे के आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने ये 1/2 kg मैदा लिया है। इसमें 1 कटोरी अगर सूजी होती तो और बेटर था, बट अभी मेरे पास है नहीं है। और ये मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच नमक, और 1/4 सोडा, और 1 चम्मच शक्कर, और ये 1 कटोरी मैंने दही लिया है। तो अब हम आटा लगा लेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हम मैदे में डाल के और एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे।
ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे गीले कपड़े से थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। हमारा अच्छे से तैयार हो गया है और हम बना लेंगे भटूरे। तो बस हमने लोई बना ली है और ये देखिए तेल को हमने गरम होने के लिए पहले से रख दिया था। भटूरे को बेल लेंगे। आप चाहे तो गोल बना लें, चाहे तो ऐसा कोई भी शेप दे दें। तो मैं थोड़ा सा इसको सेव दूंगी, ये लंबा वाला। हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको गरम ऑयल में अब छोड़ देंगे और इस तरीके से हिलाते हुए तल लेंगे। और ये देखिए हमारा भटूरा कितना अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। ये देखिए कितना अच्छे से एकदम कलरफुल हमारे तैयार हो गए हैं। देखिए देखिए हमारे भटूरे कितने फूले फूले बने हैं। हमारे छोले तैयार हो गए हैं तो हम इसको सर्व कर लेंगे।